हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे गैजेट जो कि आपकी बाइक को सेव करते हैं, उसको जो है चोरी होने से बचाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैजेट से। तो चलिए सबसे पहले गैजेट को भी ओपन करते हैं। तो गाइस सबसे पहला गैजेट है हमारा एंटी थिफ्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पीछे काफ़ी सारी वीडियो जो आपको ऐसे मिल जाएंगी इसके ऊपर। तो जस्ट मैं आपको इस सायरन का जो आपको साउंड सुना देता हूँ और ऐसे इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आता है इसका मेन कंट्रोलर, और इसको आपको जो है प्रॉपर बाइक में इंस्टॉल करना पड़ता है। आप देखते हैं यहाँ पर इसकी वायरिंग हार्डनेस है, और अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते तो आप किसी और से इसको करवा सकते हैं, जो कि टेक्निकल वो बंदा, उससे आप इसको करवा सकते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको जो है फ्लिप की के साथ इसके जो है रिमोट मिल जाती है अलग अलग, और यहाँ पर आप अपनी बाइक को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और साथ में यहाँ से जो है बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हो रिमोट से। तो चलिए सीधे अभी इसको जो मैं बैटरी से लगाता हूँ यहाँ पर। और गाइस इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा इसका। तो जस्ट अभी इसको जो टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको लॉक करके देखता हूँ। तो गाइस कुछ इस टाइप से इसका जो है सायरन बजता है, अभी इसको अनलॉक करके देखते हैं। तो गाइस आप देखते हैं कुछ इस टाइप का इसका जो है सायरन बजता है, और गाइस सेम इसी रिमोट से जो आपकी बाइक ऐसे स्टार्ट भी हो जाएगी। अभी सीधे चलते हैं हम सेकेंड गैजेट की ओर। तो गाइस सेकंड गैजेट भी हमारा जो है एंटी थिफ्ट की जो है कैटेगरी में आता है, और इसको बोलते हैं डिस्क ब्रेक लॉक विद अलार्म सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप का जो है डिस्क ब्रेक का लॉक मिलेगा, चाहे तो आप इसको अपने बाईसाइकिल में भी लगा सकते हो। सो गाइस ये नॉर्मल लॉक नहीं है, ये अलार्म के साथ आता है, और यहाँ पर जो इसकी मास्टर की है, एक्चुअली इसका मैं आपको यूज़ बाद में बताऊँगा। सो गाइस आप देखते हैं कुछ इस टाइप से आता है, और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और इसको लगाना काफ़ी सिंपल है। इसको डिस्क में ऐसे लगा के यहाँ से प्रेस कर देना है आपको, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे अलार्म बजा, अभी आपकी बाइक को अगर से कोई छेड़ेगा तो ये बजने लगेगा, और अगर ऐसे फिर से कोई छेड़ता है तो ये लंबे समय तक ऐसे आवाज़ करेगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से ये डिवाइस काम करती है, अभी एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं इसको। तो गाइस अभी मैं इसको हिलाता हूँ। तो गाइस कुछ इस टाइप से ये डिवाइस काम करती है, और काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर आपके पास भी डिस्क ब्रेक वाली बाइक है तो आप इसको जो अपनी बाइक में जो है लगा सकते हैं। और अभी बात करते हैं इसकी मास्टर की। तो गाइस ये एक एलन की है, मास्टर की नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आप कर सकते हो इसकी बैटरी को रिप्लेस करने के लिए। आप यहाँ पर होल देख सकते हैं इसके, ये चारों होल में जो है चारों छोटे छोटे स्क्रू लगे रहते हैं ये एलन की वाले, तो इनको जस्ट आपको ऐसे खोल के इसमें जो बैटरी होती है उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके जो है चारों अभी जो स्क्रू है उनको खोल लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बैटरीज है। तो यहाँ पर जिसकी जो है ऐसे बैटरी डलती है, अगर आपकी कहीं बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप जैसे जो गाड़ी ठीक करने वाले होते हैं उनसे इसकी जो बैटरी है उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो चलिए सीधे अभी चलते हैं अपने थर्ड गैजेट की ओर। सो गाइस हमारा जो थर्ड गैजेट है वो एक की फाइंडर है, और साथ ही में ये एंटी लॉस्ट या फिर एंटी थिफ्ट डिवाइस का भी काम करता है। तो चलिए अभी इसको जो ओपन करके देखते हैं। तो गाइस आपको कुछ इस टाइप से जो आपका की फाइंडर मिलेगा, ये एक्चुअली डिफरेंट कलर में आता है, और इसके साथ एक आपको ऐसे यूज़र मैनुअल भी मिलेगी। तो इसको ऑपरेट करना काफ़ी सिंपल है, ये ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ पर काम करता है। जस्ट इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी जो कि मैंने अपने जो है फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी है। जस्ट इसको अभी मैं ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको जो है डिवाइस को ऑन कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके, और उसके बाद इसकी मोबाइल एप्लीकेशन होगी उसको ओपन करना है आपको। जस्ट ब्लूटूथ की परमिशन मांगेगा, वो उसको आपको जो है अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है सर्च में यहाँ पर सर्च करोगे इसको, और यहाँ पर आपकी डिवाइस आ जाएगी, और यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे आप अपनी डिवाइस को। यहाँ पर आप देखते हैं डिवाइस हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसका यूज़ कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप तीन तरह से इसको जो है काम में ले सकते हो। फर्स्ट है की को फाइंड करने के लिए, अगर आप ये जो मेरी तरह अगर चाबी रख के ऐसे भूल जाते हो, जैसे कि अभी मैं आप देख सकते हैं ये अभी इसको मैंने ऐसे तकिए के नीचे रख दिया है। अभी अगर मैं इसको भूल जाता हूँ कि चाबी कहाँ रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलार्म का बटन है, यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो ये इस टाइप से शोर करने लगेगा, और आप जो अपनी की को आराम से जो फाइंड कर सकते हो। और बाय चांस अगर आपकी चाबी गलत हाथ में लग जाती है, किसी और के हाथ में लग जाती है, तो यहाँ पर अगर वो कोई बटन ऐसे प्रेस करता है इसका, तो आपके यहाँ पर मोबाइल में ऐसे अलार्म बजने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी वॉल्यूम थोड़ी अप करके दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ इस टाइप से इसका अलार्म बजने लगेगा, इसको आप यहाँ से साइलेंट कर सकते हो,
और यहाँ से आप जो है इसको ऑफ कर सकते हो इसके अलार्म को। तो इस टाइप से आप जो है इसकी की फाइंड करने में ये आपकी जो है हेल्प करेगा। आपको जो एक मैप का ऑप्शन मिलता है और यहाँ तो गाइस ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसके बाद मैं अभी आपको इसका जो लास्ट वाला है वो भी दिखाता हूँ, क्या यूज़ आप इसमें ले सकते हो। उसके इसको कनेक्ट करने के बाद आप इसका जो है यूज़ ले सकते हो अपनी सेल्फी को क्लिक करने के लिए। यहाँ पर जो है जस्ट यहाँ पर एक कैमरा का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कैमरा इसका स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बटन से आप जो अपनी फोटोज़ को जो है क्लिक कर सकते हो यहाँ से। और गाइस इसमें एक जो है बैटरी डलती है जो कि ऐसे पीछे आप जो है कॉइन की मदद से इसको घुमा के इसके कवर को आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी बैटरी को। तो गाइस बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी कम है, मतलब जब मैंने ये डिवाइस परचेज करी थी उसके 4 दिन बाद ही इसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई थी। तो गाइस इस टाइप के जो डिवाइस है वो आपको और भी क्वालिटी वाले मिल जाएंगे। सो गाइस आफ्टर लॉकडाउन मैं तीनों डिवाइस का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बेस्ट डिवाइस होगी उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होगी, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।